अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद उसामा अजीज। ये आपके सामने एक 3D प्रिंटेड रोबोट आर्म मौजूद है। ये मेरा पहला 3D प्रिंटेड प्रोजेक्ट था जो कि मैंने 5 साल पहले बनाया था, और इसके पार्ट्स अभी भी मेरे पास मौजूद हैं। बट ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि गियर आप देख सकते हैं, ये ब्रेक हुआ हुआ है। क्लॉ जो है ये भी दोनों जगह से ब्रेक हुआ हुआ है। इसी तरह इसका एक और ये सेकेंड एक्सेस है आई थिंक, और इसके अंदर भी आप अगर देखें तो यहाँ पर बेल्ट टेंशनर एक होता है जो कि ब्रेक हुआ हुआ है यहाँ से। इसमें यहाँ पर जो बेस का इसका जॉइंट है उसके अंदर भी ये पार्ट पूरा यहाँ से ब्रेक हो चुका है। ये बेसिकली एक 3D प्रिंटेड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसका नाम है BCN 3D Movio। इसके कुछ डिज़ाइन में कुछ एक्सेस में भी इश्यूज थे जो कि जिसके लिए हमने कुछ न्यू आइडियाज़ सोचे, तो वो भी हम दोबारा डिज़ाइन करेंगे और इस पूरे रोबोट को हम दोबारा से बिल्ड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मूसा काशिफ, और ये कोबॉट के मेरे स्टूडेंट भी हैं और काफ़ी टैलेंटेड होनहार बासलाहियत इंडिविजुअल भी हैं जो कि रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, और ये मेरे साथ मिलकर इस रोबोटिक आर्म को जोड़ने में मेरी हेल्प भी करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं व्यूअर्स को? अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम रोबोटिक आर्म, जैसे सर ने बताया, असेंबल करने वाले हैं। तो सर आपसे मेरा एक सवाल है। जी जी बताएं। आपको ये मतलब प्रिंट करने में, क्योंकि मैंने तो सुना था कि अब आपने तो अच्छा वाला प्रिंटर ले लिया है, लेकिन जब पहले आपका था, मतलब इसको इस पार्ट्स को कितना टाइम लगा था, पुराने पार्ट्स में और अब पार्ट में कितना वक्त लग गया था? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने इस आर्म को बनाया था वो प्रिंटर, ऑब्वियसली अब टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो चुकी है। yes. तो आपको हमारे पीछे ये प्रिंटर नज़र आ रहा होगा, ये है क्रियलिटी का K1 Max, जो कि अल्ट्रा सुपर फास्ट 3D प्रिंटर है। अप टू 600 mm पर सेकेंड की स्पीड पर ये प्रिंट कर सकता है, जो कि बहुत फास्ट है। yes. तो जो लोग 3D प्रिंटिंग करते हैं उनको आइडिया है कि जो आपके मतलब स्टैंडर्ड 3D प्रिंटर्स हैं उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, और स्पीड ही एक बड़ा इशू होता है। yes. जिसकी वजह से 3D प्रिंटिंग में बहुत मतलब स्लो प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब काफ़ी डिफरेंस है, आई थिंक ऑलमोस्ट 6 to 12 times स्पीड फास्टर है। 6 to 12 एक बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, डिपेंड करता है कि आप किस लेयर हाइट पे प्रिंट कर रहे हैं। उस हिसाब से या तो अप टू 6 times या अप टू 12 times फास्टर हो जाता है ये प्रिंटर। तो उस पे हमने फर्स्ट एक्सिस, यानी कि जो हमारा क्लॉ है, ग्रिपर है, उसके पार्ट्स हमने प्रिंट कर लिए हैं सारे। जैसे कि हमारा ये एक गियर है जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, ब्रेक हो चुका था, तो ये गियर अब हमने दोबारा प्रिंट कर लिया है। फर्स्ट एक्सिस के गियर्स हैं, ये भी आपको इसमें नज़र आ जाएगा, जिसके ऊपर ये क्लॉ अटैच होना है। ये पार्ट भी हमारा प्रिंट हो चुका है, और अगेन जिसके अंदर ये गियर्स अटैच होंगे और हमारी मोटर होगी अटैच, वो पार्ट भी हमने दोबारा प्रिंट कर लिया। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को असेंबल कर सकें और आपको दिखाएं भी साथ साथ इसको कैसे करना है। तो आई थिंक शुरू करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डू इट। लेट्स डू इट। ओके, तो हमने कुछ असेंबली स्टार्ट कर दी है। ये पीस आप देख सकते हैं, इसके अंदर स्क्रूज ऐड कर दी हैं हमने, और इसके ऊपर गियर्स आएंगे, उसके ऊपर इसकी टॉप प्लेट आएगी, और फिर ये अटैच हो जाएगा गियर्स के साथ। तो इसको असेंबल करते हैं। I think इसको हम फुल टाइट नहीं कर सकते, वरना ये मूव ही नहीं होगा। मूव ही नहीं होगा फिर तो। इसको हल्का सा आई थिंक ऐसे लूज ही रखना है। लूज बेहतर रहेगा। यस। हां, एक चीज और हमने देखी थी, हमने यहां पर वॉशर ऐड करना था ताकि वो स्पेस रहे। स्पेस रहे, स्पेस में। दोबारा ढोल लेते हैं। यस। ये इसके साथ यहां पर कनेक्ट हो गया। Yes, okay. उसी तरह ये अब हमने सेकंड पिवट आर्म भी कनेक्ट कर दिया, ये आप देख सकते हैं। yes. इस तरह एक गियर हमारे पास ये है और सेकंड गियर हमारे पास वो है यहाँ पर है। yes. ये दो गियर्स अब इसके ऊपर कनेक्ट होंगे। ये मूवमेंट भी इसके साथ हो गई है। yes. और ये अलग है, ये सेकंड गियर के साथ होगी।
गियर्स दोनों एक साथ ही, एक गियर को भी अगर मूव करता हूँ तो दूसरा भी मूव होगा, होगा। एक हमारे पास जो फिंगर है वो यहाँ अटैच होगी और एक फिंगर हमारे पास जो है वो यहाँ अटैच होगी, तो जब ये मोटर मूव करेगी ये दोनों फिंगर्स बेसिकली आपस में क्लोज और ओपन होंगे। यस, दोनों डिफरेंट स्क्रूज हैं यहाँ पे, डिफरेंट है ये वाला उससे गियर्स, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके ऊपर मोटर ने अटैच होना है तो इसलिए उन्होंने दो होल्स इसके ऊपर सेपरेट दिए। अब हमें फिंगर्स, अब इसके साथ हम क्लॉज को अटैच करते हैं, क्लॉज ये फिंगर्स जैसे दिखती है पूरी क्लॉज, जैसे सैंडविच बन गया। जब अगर मैं बैक साइड से देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्पेस ज्यादा लग रही है, यहाँ कम लग रही है, तो देखते हैं कि ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम बनती है या नहीं। ओके, मूवमेंट पॉसिबल हो गई है, अभी भी काफी स्टिफ है, स्टिफ बहुत ज्यादा है, इस साइड से भी लूज करना है, लूज करना है, यस भी दो लगाना पड़ रहा है लेकिन इतना नहीं जितना पहले लगाना पड़ता था। मेरा ख्याल है क्योंकि सरफेसेस क्योंकि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही हैं तो थोड़ी बहुत फ्रिक्शन तो इसमें होगी जो कि मे बी ऑटोमेटिकली थोड़ी सी मूवमेंट के बाद खत्म हो जाए। यहाँ पे हमारे पास एक है रोबोटिक हैंड का ग्रिपर, जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो मूवमेंट है वो कैमरा पिक्चर नहीं, ऑटो फोकस नहीं अभी काम कर रहा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा यस। तो आप जैसे कि सब देख सकते हैं ये क्लॉ जो आपकी ये मूवमेंट कर रहा है, वाह, ये आप सोचें यहाँ पे जब पूरा रोबोटिक आर्म बनेगा तो ये ग्रिप कर रहा होगा चीज़ों को, ग्रिप करके उठा के फुट और यहाँ पे पूरा ऐसे है या ऐसे है, ऐसे है या ये इससे कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं। अगर हम यहाँ पर इस पार्ट को कनेक्ट कर दें, रोबोट की फ्रंट साइड हम ये डिफाइन कर देते हैं, बेल्ट यहाँ पर आएंगे क्योंकि बेल्ट टेंशनर की साइड है, तो हम इसके ऊपर इस तरह कनेक्ट करेंगे, तो अगेन ये मैटर नहीं करता कि हम ऐसे रखते हैं या ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, आई थिंक ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है, ऐसे लग रहा है थोड़ा, ये ज्यादा बेहतर, यू करके ग्रिप करके और यही टॉप साइड है इसको हम इधर ले आते हैं, यस, ताकि इस साइड पे ये नहीं जाए, इस साइड से ऊपर ऊपर जाए, ठीक है, इसको हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं, इन दो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। ओके, टेक्निकल डिफिकल्टी, हम वापस आते हैं, सॉरी, इस गियर के साथ आप देख सकते हैं कि ये ग्रिपर कनेक्ट हो चुका है, तो अब ये गियर और ये जो पूरा राउंड आपके पास पार्ट है ये हम कनेक्ट नेक्स्ट वीडियो में कोशिश होगी इसके साथ यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे और फिर एक मोटर होगी जो कि बेल्ट से इसको इस पूरे पार्ट को रोटेट करेगी, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर हम इस पार्ट को फिनिश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग वीडियोज देख रहे हैं वो हमारे साथ आगे पार्ट में भी जुड़े रहेंगे और इस रोबोट को एंड तक देखेंगे कैसे बन रहा है, बन रहा है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो ऑन दिस वीडियो, तो ये था नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।